आज हम बनाएंगे बाजार जैसे मूंग दाल की पकौड़ियाँ, बहुत ही क्रिस्पी करारी बनेंगी, तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कप छिलके वाली मूंग दाल ली है। अब दाल को एक बाउल में डाल लेते हैं और 2 से 3 कप इसमें हम गर्म पानी डालेंगे, जिससे हमारी दाल 2 से 2.5 घंटे में भीग के तैयार हो जाएगी। तो 2-2.5 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे और 2.5 घंटे बाद इसको हम चेक कर लेते हैं। तो दाल हमारी अच्छे से भीग के तैयार है, छिलके भी हल्के से अलग हो गए। तो इस तरह से हाथ से पहले इसको हल्का सा मसल लेंगे और मसलने के बाद इसे हम एक परात में निकाल लेते हैं, तो जिससे छिलके निकालने में हमें आसानी होगी। तो सारी दाल मैंने निकाल ली है और अब इसमें हम साफ पानी डाल लेते हैं और पानी डालकर हाथों से दोनों से इस तरह से रगड़ते हुए दाल के छिलके को हटा लेंगे। तो इस तरह से आप भी इसको साफ करें, बहुत ही जल्दी साफ हो जाती है। और अब परात को थोड़ा सा इस तरह से टेढ़ा करके जो छिलके हैं और गंदा पानी है इसका निकल जाएगा। तो देखिए छिलके इसके आगे ही आ गए और मैंने हाथ में इसको ले लिया है और अब इसको हम कटोरी में निकाल लेते हैं। और इसी तरह से दाल को हम 3-4 बार साफ पानी से छिलके को हटा देंगे और दाल को अच्छे से धो लेते हैं, तो बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। तो देखिए दाल हमारी अच्छे से धुल के तैयार हो गई है। अब धुली हुई दाल को एक मिक्सी जार में निकाल लेंगे और दाल मैंने निकाल ली है और अब इसमें डालेंगे 1 इंच अदरक, जिसे मैंने छील के धो लिया है। तो इसे हम छोटा 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 काट कर मिक्सी जार में डाल लेते हैं और 2 हरी मिर्च को इस तरह से डंठल को हटा देते हैं और थोड़ा छोटा छोटा तोड़ के मिक्सी जार में डाल लेंगे और ढक्कन लगाकर दाल को हम पीस लेंगे। तो यहाँ मैंने दाल को पीस के तैयार कर लिया है। अब पिसी हुई दाल को हम एक बड़े बर्तन में निकाल लेते हैं। तो मैंने यहाँ एक बाउल ले लिया है, तो सभी दाल को हम बाउल में निकाल लेते हैं। तो देखिए दाल हमारी बाउल में निकाल ली है, अब इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो 3 चम्मच इसमें हम बेसन डालेंगे, तो बेसन ज़रूर डालिएगा, और 1 प्याज डालेंगे बारीक कटी हुई, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई और 1 कटोरी फ्रेश हरा धनिया, 1 चम्मच साबुत कुटा धनिया, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच नमक डालेंगे, तो नमक मिर्च टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, और 3 से 4 पिंच इसमें हींग डालेंगे, तो हींग आप इसमें ज़रूर डालिएगा, और 2 पिंच बेकिंग सोडा डालकर सभी मसालों को दाल के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करते हुए दाल को हम 2 से 3 मिनट फेंट लेंगे, जिससे दाल हमारी अच्छे से फूल जाएगी। तो दाल को मैंने अच्छे से फेंट के तैयार कर लिया है और इधर मैंने कढ़ाई में सरसों का तेल गरम कर लिया है। तो थोड़ा छोटा छोटा पोर्शन उठाएंगे दाल का और कढ़ाई में सिकने के लिए डालते जाएंगे। तो साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग थोड़े छोटे थोड़े बड़े बना सकते हैं और जितनी पकौड़ियाँ आ जाएंगी उतनी हम कढ़ाई में सिकने के लिए डाल देते हैं। तो इसे हम मीडियम फ्लेम पर सेकेंगे, जिससे हमारी पकौड़ियाँ बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होंगी। तो 3 से 4 मिनट में ही देखिए एक साइड से पकौड़ियाँ हमारी सिक गई हैं। इसे हम अलट पलट लेंगे और अलटते पलटते हुए अच्छे से गोल्डन क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने मूंग दाल की पकौड़ियों को सेक के रेडी कर लिया है और अब इसको हम इस एक छलनी में इस तरह से ले लेंगे और छान लेंगे, जिससे एक्स्ट्रा ऑयल कढ़ाई में वापस चला जाएगा। तो बचे हुए पकौड़े भी मैंने इसमें डाल लिए है। कुछ देर इसको हम इसी तरह से कढ़ाई पर रोक के रखेंगे और अब इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। हरे धनिया की चटनी के साथ सर्व करेंगे।